वेल हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही ज्यादा हॉरर गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है द लुक इन द डार्क। और दोस्तों आपको बता दूं, ये गेम टोटली फ्री है स्टीम के ऊपर, तो आप चाहें तो उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि आज की जो वीडियो है वो 18+ होने वाली है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और बहुत ही ज्यादा हॉरर गेम है। और सीरियसली मुझे इस तरह की गेम्स खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बहुत ज्यादा डरावनी होती है। भूतों वाली फिल्में अच्छी लगती हैं पर गेम्स अच्छी नहीं लगती। और सीरियसली एक जापानीज जो है गेम है बहुत ज्यादा डरावनी है, बहुत ही ज्यादा डरावनी है दोस्तों। इसके बारे में बहुत कुछ मैंने सुन रखा है, तो मैं फर्स्टली इसको ट्राई करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि ये गेम कैसी है। तो अंधेरे में वैसे बहुत ज्यादा डर लगता है और पता नहीं कैसे कैसे सीन इसके अंदर आने वाले हैं, बहुत मतलब मैंने सुना है। तो यहाँ पे जब आप गेम को डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मेनू जो है आपको यहाँ पे आ जाता है। जापानीज में ये बोलेगा, वैसे इंग्लिश में भी आप कर सकते हो, सब टाइटल इंग्लिश लगा सकते हो, मैंने इंग्लिश लगाया यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू गेम का ऑप्शन मिलता है और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर, स्टार्ट अ न्यू गेम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट कर लिया है इसको। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है केस नंबर 10176। तो इसमें बेसिकली क्या, एक मर्डर वाज रिपोर्टेड ऑन द टर्म्स पीपल, द रिपोर्टेड लोकेशन इज द मेंशन ऑन बाय द सस्पेक्ट इज द मशेफ। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली एक मर्डर रिपोर्टेड हुआ है और उसके अंदर जो है यहाँ पे कुछ पुलिस वालों को भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे हम भी जाने वाले हैं, तो कुछ ऐसा ही सीन है यहाँ पर। तो यहाँ पे 8:40 शाम का टाइम हो रहा है। ओके, माय गॉड, यार देखो। ओके ठीक है यार, इस तरह की जब गेम्स आती है ना, मतलब कुछ अलग ही ज्यादा इसका फीलिंग रहता है। एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पर करना क्या है अभी? ओके ओके ठीक है, तो माउस से इसके पूरा का पूरा हिल रहा है, देख लेते हैं आगे पीछे क्या है। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, तो यार बाप रे यार, जो आपने डरावनी वाली हॉरर वाली सीन्स वाली मूवी देखी ना, बिल्कुल वैसा ही है ये। ओके, तो यहाँ पे वुडन फ्लोर वगैरह है साइड में, देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, गेस्ट रूम। ओके ठीक है, ओके राइट, ओके, क्रॉस के साइन बने हुए हैं। माय गॉड, मतलब मैं तो ऐसे डरावने घर में बिल्कुल भी ना जाऊं सीरियसली। ओके, अब कहाँ जाना है, माय गॉड, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो आई थिंक हमें यहाँ पर जाना है, पर आगे तो रास्ता बंद है। ओके, ट्राई करते हैं। ओके, ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा हमें, तो ई हमें प्रेस कर देते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे ई प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम, ठीक है, नीचे मतलब लेट के देख सकते हैं बेसिकली, यही जैसा नॉर्मली गेम्स के अंदर होता है। तो चलिए नीचे, ओके, बैठ क्यों नहीं रहा ये, मैंने गलत कर दिया क्या कुछ? ओके अब ठीक है। ओके, अब नीचे कैसे जाना है यार, मतलब कितना तो मेरे को पता नहीं चलता है इन गेम्स में, इतना खेलता नहीं हूँ ना। ओ माय गॉड, नीचे ऐसे ऐसे जाना है यार, ऐसे गेम में ना भूत मतलब वैसे डर बना रहता हूँ नीचे। ये क्या है, माय गॉड, वहाँ देखो तो सही, मतलब बेड के नीचे ऐसी गेम्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पर ना कुछ ना कुछ मतलब आवाज़ें होती रहती हैं। ठीक है, व्हाट वाज दैट, ठीक है ठीक है। ओके ओके, अब कहाँ जाना हमें यार, ये मतलब किसी ने, बच्चों ने दीवारों पे ये मतलब पेंट कर रखा है क्या, अगर रखा है मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। रूम नंबर 405, मतलब ओ ये खुलता है। ओके, तो अंदर पूरा का पूरा जो पेंट है ना दोस्तों, बिल्कुल उतरा हुआ है। हेलो, इज एनीवन देयर, मैं भूत वाली फिल्म में ऐसा कभी नहीं होता, मतलब कोई नहीं मिलता कभी, ऐसे खटखटाते हैं तो भूत ही मिलते हैं हमेशा। चूहे हैं यहाँ पर, और बिल्कुल ही पेंट जो आप देख रहे हैं बिल्कुल उखड़ चुका है यहाँ पर। और सीरियसली यार, मतलब इसके जो ग्राफिक, अरे ये क्या है, फर्स्ट एड किट है। तो ठीक है, इसको हम यहाँ से ई का बटन दबाते हैं एक सेकेंड, और इसको हम जूम कर सकते हैं, खोल सकते हैं और ले सकते हैं। तो क्यू से हम इसको ले लेंगे, तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो और काफ़ी सारी दवाइयाँ वगैरह इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है, मतलब इस गेम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत सारी मेडिकल चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। काफ़ी पुराना टीवी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं और क्या है इस डब्बे में, कुछ है क्या? हेलो, कुछ नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसके जो ग्राफिक्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। मुझे पता नहीं ये गेम फ्री क्यों है मतलब स्टीम के ऊपर। ओके, यहाँ तो हम, यहाँ से तो हम आए हैं, तो आई थिंक अब हमें शायद यहाँ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे चल के देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये क्या लिखा है, CCC, आँखें बनी हुई हैं जैसे किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाई हो। तो यहाँ पर दरवाज़ा है एक, ठीक है। ई से क्या होगा? ओके, ई से हम बेसिकली हमारे जो टैब के अंदर चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं, और इससे इसको ओपन कर सकते हैं दरवाजे को। तो बेसिकली कीज़ हैं, जैसे मेरे पास की है ये, तो मैं क्या करूँगा कि इसका यूज़ जो है यहाँ पे कर लूँगा। तो यहाँ पे हम जो है चाबी को लगा देंगे दरवाजे के अंदर, तो हमारा दरवाज़ा, द डोर इज़ लॉक्ड। ओके ठीक है, ओके सॉरी, मैंने लगता है इसको चुनाव नहीं किया उसका। ओके, तो एक और दरवाज़ा खुल गया है। और सीरियसली जैसे हम आगे बढ़ते, अरे यार ये तो देखो यार, कैसी कैसी डरावनी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, माय गॉड। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे तो और हॉरर होती जा रही है गेम, मतलब रेजिडेंट इवल की याद दिला रहा है। ओके ठीक है, ई से हम दोबारा बहुत सारी आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आइटम्स हैं। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखते हैं इससे कुछ जानकारी मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली एक बुक है, मैजिस्ट्रेट, पता नहीं क्या नाम है इसका, ठीक है।
ओके, तो इस बुक को हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी है और देख लेते हैं। खैर यहाँ पे क्या है, एक और बुक है, इसके ऊपर कोई भी नाम नहीं है, कोई टाइटल वगैरह नहीं है। ये कुछ लेटर हैं जो यहाँ पर भेजे गए हैं, और इसके अलावा ये घड़ी है पुराने ज़माने की, पुरानी सी वॉच है, ठीक है। यहाँ पे रेडिक करके एक और बुक है, अब एक और लेटर यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो और कुछ है यहाँ पर, और तो खैर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। तो ओके, एक डोर है यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम आगे चलते हैं। ओके, ये दरवाज़ा लॉक है पूरी तरीके से, तो इसको हम नहीं खोल सकते हैं। ओके, तो आगे कुछ पेंटिंग्स हैं यीशु की, और यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है, इसे हम खोल सकते हैं क्या? ठीक है, नहीं ये खुल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, पुलिस वाले के साथ में एक दोस्त भी है, तो वो भी यहाँ पे है, तो दोनों बेसिकली यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। जॉर्टा हेयर, ठीक है। तो यही दरवाज़ा तो खैर यहाँ पर नहीं खुल रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे और देख लेते हैं क्या है। यार पेंटिंग देखो कितनी ज़्यादा डरावनी डरावनी सी यहाँ पे बनी हुई है, माई गॉड यार, ये कैसी पेंटिंग है, मतलब बहुत सारे फल फ्रूट है यहाँ पर। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम इस साइड चलते हैं, दरवाज़ा खुल नहीं कर रहा है, ये वाला दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है। तो अब आई थिंक कि मैंने कुछ मिस कर दिया है यहाँ पर, इस क्योंकि चाबी भी मेरे पास नहीं है यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, ठीक है। ओके, ये वाला दरवाज़ा खुलता है क्या? नहीं, ये भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा है यहाँ पर। ओ, मैंने क्या मिस कर दिया है, क्या मिस कर दिया है, आई डोंट नो सीरियसली। ओके, माय गॉड यार, अकेले जाने में भी डर लग रहा है यहाँ पे यार सीरियसली, ऐसी गेम को ना आपने बिल्कुल मत खेलना है गेम को, सीरियसली बता रहा हूँ आप, बहुत मतलब बहुत बुरा असर होता है दिमाग के ऊपर। ओके, तो अब हम क्या करें क्या करें, ठीक है एक काम करते हैं, यहाँ चाहते हैं। ओ माय गॉड, ये सब क्या, अरे ये क्या है, ये क्या, ये क्या भाई, ये क्या है, माय गॉड, ये देखा दोस्तों आप लोगों ने, माय गॉड, कोसी टंगे हुए हर जगह पर यार, ये मैंने कौन सी हॉरर मूवी देखा था, मुझे पता नहीं था यहाँ पे क्या है। ओ माय गॉड, मैं इसलिए कहा था ये वीडियो 18+ होने वाली है यार, मतलब जो एक फिंगर होती है उसको काट के उसके ऊपर लगाया हुआ है यार, मतलब सीरियसली यार, मतलब ये गेम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब कुछ हार्ट वार्ट का प्रॉब्लम है मत खेलना है इसको, सीरियसली बहुत ज़्यादा डरावनी है ये, जब खेलोगे तो अलग ही ज़्यादा फील आएगा यार, मैं तो मजबूरी है मेरे, खेलना पड़ रहा है पर क्या कर सकते हैं। ओके माय गॉड, यहाँ से भागो यार, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं इसको। ओ माय गॉड, और ये क्या हो गया, ये खुल कैसे गया, पहले तो बिल्कुल नहीं खुल रहा था, मेरे पास कोई की भी नहीं थी, मैं बस वहाँ गया हूँ। ओके चलो एक बार चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या है। ओ माय गॉड, तो ये क्या है, कोरोना का टाइम चल रहा है तो हाथ धोने क्या, नहीं मतलब टूटियाँ नहीं चल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ रेड सी लाइट जल रही है, इसका हम कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या, मतलब ये कुछ नहीं है। यहाँ पे दो दरवाजे हैं, ये बाथरूम है बेसिकली, दरवाजे तो क्या है, बाथरूम के दरवाजे हैं। माय गॉड, ये क्या हुआ, मतलब मैंने दरवाजा खटखटाया है या फिर आवाज आई है, कोई है अंदर, माय गॉड यार, ये गेम तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती जा रही है। यहाँ पर क्या है? एक बार देख लेते हैं। ओ ओ ओ ओ, ये क्या, ये क्या, ये क्या है, ये क्या है यार, टॉयलेट के अंदर किसने अपना जूता डाला हुआ है, माय गॉड यार, कितना ज़्यादा मतलब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हॉरर लग रहा है, मतलब बिल्कुल ही किसी अल्टीमेट मतलब किसी और ही दुनिया का वो लग रहा है सारा। ओके, तो यहाँ पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा है ये वाला, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है, और हमें यहाँ पर करना क्या है कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो चलिए एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं जल्दी से, तो कुछ भी नहीं यहाँ पर वहाँ पर जरूर कुछ हो दरवाजे के पीछे, ये तो मेरे को पूरा डाउट है, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं क्या पता खुल जाए। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया यार, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया, ओह माय गॉड यार, इस तरह के मतलब स्कैरी सीन आते रहते हैं इनके अंदर, माय गॉड, अब ये दरवाजा कैसे बंद हो गया यार, सीरियसली मेरे दिमाग के ऊपर असर कर रही है ये गेम यार, ये भी नहीं खुल रहा है। ओके, और ये पीछे जो ये हॉरर सा साउंड चल रहा है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ड्रामा लग रहा है, माय गॉड। ओए ओके, तो कोई है तो दरवाजा खोलो यार, ओए माय गॉड। ओके, ये कौन है, आई थिंक ये तो हमारा जो पार्टनर है वो है ये, इसने मेरे को भी बंद कर दिया, बिल्ली है, बिल्ली यार, ये कोई टाइम थोड़ी है यार मेरे को बंद करने का, खोल यार खोल, माय गॉड, इसमें सही है क्या, आखिर क्यों इसने मेरे को बंद कर दिया यहाँ पर, इसकी आवाज देख रहे हो कितनी स्केरी सी लग रही है। ओके नो, मतलब यार माय गॉड, ये कोई कहीं पैसे मांगने का, उधार लिए पैसे मांगने का यार, बाहर निकाल मैं तेरे को बताता हूँ फिर तेरे को, ओ माय गॉड
दरवाजा भी लॉक करके चला गया। अब हमें क्या करना है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सीरियसली। एक काम करते हैं कि हम इसको दरवाजे को दोबारा खोलने की कोशिश करते हैं, शायद मे भी कुछ यहाँ पर हो जाए। ओके नहीं यार, ये खुल नहीं रहा और अजीबोगरीब सा साउंड भी आ रहा है यहाँ पर। आई डोंट नो, मैंने पंगा ले लिया गेम खेल के यार। सीरियसली मैंने पहले बार सोचा था कि मतलब खेलेंगे इसको मज़ा आएगा, पर यार कुछ तो गड़बड़ा है, कोई तो है यहाँ पर, कौन है? ओके तो यार खुलने का ऑप्शन आ गया यार। ओ माय गॉड, डरे मोई नहीं। ठीक है। ओ माय गॉड, ये क्या है? द सिनफुल किंग। ओके द टाइटल रीड द सिनफुल किंग, इट लुक लाइक अ बुक बट इट समटाइम स्ट्रेंज। ठीक है तो यहाँ पे बुक है बेसिकली ये कुछ, तो अभी पता नहीं यार इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ है ये। तो एक काम करते हैं, हम इसको ले लेते हैं और बाद में देखते हैं कि क्या करना है इसका। तो अभी हमें क्या करना है कि बाहर चलते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ से बिल्कुल बाहर चलते हैं। ओके सो बाहर चलेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ से दरवाजा खोलने के लिए भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एक ऑप्शन आ गया, ये क्या चक्कर है यार? मतलब ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं, घर बिल्कुल भूतिया है। ओके तो हमने खोल दिया इसको, खैर दरवाजे को, शायद ऐसा लगता है किसी जादू शक्ति से दरवाजा बंद हुआ था ये। ओके अब आई थिंक हमें यहीं जाना है। आई मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर यही तस्वीर थी, यहाँ पे यही पेंटिंग थी, पर ये दरवाजा नहीं था यहाँ पर। सेम पेंटिंग थी पर ये डोर यहाँ पे नहीं था आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसेस लटके, अरे वहाँ पे लाइट जल रही है। ओ माय गॉड यार ये सब क्या चक्कर है, तो क्या करें, जाना चाहिए हमें अंदर? ओ यार इस तरह की टनल जब भी आती है ना किसी भूतिया घर में, तो मतलब समझ लो खतरे का निशान है वो। क्या करें, जाएं ना जाएं, पीछे भी नहीं जा सकते, अंदर ही जाना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो चलो चलते हैं अंदर। ओ माय गॉड ये तो और ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, मतलब जब भी हम डाउन जाते हैं ना तो मतलब आपको पता है कुछ ना कुछ भयानक होने वाला होता है। ओ बाप रे यार, मतलब ग्राफिक देखो इसके यार। ओह माय गॉड, मोशन सेंसर वाली लाइटें यार, ऐसा लग रहा है सदियों से कहीं नहीं आया। मतलब ये अभी पर्सन कह रहा है कि मैं सबसे पहले जब बाहर निकलूंगा इसके पैसे दूंगा, पता नहीं बाद में क्या करेगा। ओह माय गॉड यार सीरियसली ये गेम बहुत स्केरी है और ग्राफिक्स उसके बहुत अल्टीमेट है। ओके तो एक और दरवाजा यहाँ पर। ओह माय गॉड यहाँ पर यार ये सब क्या है, खून खून है, पता नहीं क्या है यार ये। दरवाजे बंद किए हुए हैं सारे। ओके बिली क्या तुम यहाँ पे हो? ओ माय गॉड यो ओ माय गॉड, दोस्तों आपने देखा? माय गॉड सीरियसली यार, मैं तो इसे देख के डर गया, मुझे लगा भूत है बट स्टैचू है कोई ये। ओके तो यहाँ पर क्या है ये? ठीक है ये कोई पर्सन है आई थिंक, उसका स्टैचू है पर बहुत ही ज़्यादा डरावना स्टैचू है। ओ माय गॉड कुछ पेंटिंग्स हैं, ठीक है और यहाँ पे एक पुराना टेलीफोन बूथ। ओके तो यहाँ कुछ है आई थिंक, ये कुछ लेटर सा है। ओके ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे क्लूज वगैरह हैं यहाँ पर। माय गॉड यार सीरियसली। ओके ठीक है, या कुछ बोतलें टूटी हुई हैं। ओके ठीक है तो यहाँ पे टेलीफोन बूथ है, यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके यार सीरियसली गेम तो बहुत ज़्यादा डरावनी होती जा रही है। ओके ओ माय गॉड नीचे जाने का रास्ता भी है, ओ जाएं क्या? चलो और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे, चलो नीचे चलते हैं। ओके
ही नहीं हुई था। स्मेल स्मेल आ रही है यहाँ पर कुछ। बीरी कह रहे हैं। तो कोई तंदा। Where the health? Okay 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 okay। यहाँ पर ये क्या है? ठीक है, एक बच्चे की ट्राइसाइकल है यहाँ पर। Okay 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 okay। Oh my God, दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे सब क्या है? कोई रिचुअल पुराने होते हैं यहाँ पे क्या है? Okay तो बच्चे की ट्राइसाइकल है। Oh! यार देख रहे हो आप, मतलब यार ये गेम बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही डिस्टर्बिंग। कितना ब्लड है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको कहा था कि गेम 18 प्लस है। अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल बंद कर दो अभी, बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन आने वाले हैं। मतलब ब्लड ही ब्लड क्रॉस यार। यार मतलब गेम बनाने वालों को दिमाग में चलता क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आता। इस तरह की हॉरर गेम्स जो बनाते हैं वो, मुझे रेजिडेंट उसकी याद आ गई, कौन सी मूवी है वो। ओ माई गॉड, यहाँ पर ये क्या है? ठीक है देखते हैं। बिकॉज ऑफ द प्राइड दे बिकम द ग्रीडी एंड सोर्स। मतलब यहाँ पे यार सीरियसली कोई रिचुअल वगैरह परफॉर्म किए जाते थे। ओके तो यहाँ पे टूटनी। ओके ये सब की सब कैंडल जल रही हैं इसको दबाने से। ओके ठीक है ठीक है। तो ये हमारी बुराइयों को बताता है बेसिकली, कि जैसे काम क्रोध मोह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। लस्ट, वेट्स, ठीक है लस्ट भी है यहाँ पे। हाँ तो ये इस तरह की जितनी भी बुराइयाँ हैं वो सारी यहाँ पर हैं। पर ये मोमबत्तियाँ बुझ क्यों गई? ओके एक काम करते हैं, दोबारा चलाते हैं। आई थिंक कि यहाँ पे ना कुछ इसका सीक्वेंस है, तो एक बार पढ़ते हैं तो समझते हैं यहाँ पे किस हिसाब से ये। ओके ठीक है। द सिंफुल किंग तो एक बेसिकली दोस्तों ये सीक्वेंस है, तो हमें सीक्वेंस से चलानी पड़ेंगी। और सीक्वेंस से ये टूटेगा, मतलब ऐसा नहीं कि लाइन करके चलाना है इसको। थोड़ा सा काम क्रोध मोह इस तरह से इसको करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा सीक्वेंस में। उसके बाद हम इसे वो कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। द लास्ट, ठीक है। इसके बाद ग्लूटनी आ गया, साथ में स्लोट आ गया। और ओके 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 ठीक है ठीक है। फाइन 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 फाइन, हमें मिल गया। हेयर्स ए ओके, ये कह रहा कि मैं बहुत जीनियस हूँ। ठीक है एंड थैंक यू। यहाँ पे एक हमें गोल्ड का पेंडेंट मिल गया, तो इससे हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये क्या, एक की हमें मिल गई है। ओके ठीक है। ओके तो आई थिंक ये की लगेगी इस दरवाजे के अंदर, तो चलिए इस दरवाजे को कर लेते हैं हम ओपन। ठीक है, यूज़ कर लेते हैं इस की को कुछ इस तरीके से। हमें यूज़ करना है इसको, ई का बटन दबा के यूज़ कर लेंगे। ओके तो ये की लग गई अब यहाँ पर। सीरियसली यार, इस दरवाजे को खोल लेते हैं हम थोड़ा सा। इसमें थोड़ी लाइट सी जल रही है। ओ माय गॉड भाई साहब, मतलब ऐसे ऐसे सीन्स डाले ना उन्होंने गेम के अंदर, मतलब गूज बम्प आ जाएंगे आपको एकदम से। ये मतलब पूछो मत यार, मतलब पूछो मत, कुछ स्तब्ध हूँ इस समय मैं, कुछ कह नहीं सकता। मतलब ऐसे गेम, मतलब गेम के अंदर ही खोया हूँ मैं, को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या। मैंने सोचा था मतलब वॉइस ऑफ, मैंने पहले सोचा था वॉइस ओवर करूँगा, पर फिर मैंने सोचा था नहीं कैमरा के साथ बनाते हैं। बट यहाँ पे ना मेरा सारा ध्यान यहीं लगा हुआ। ये क्या है? ओके तो ये स्टार द प्लेट विद द मून स्टार द डेकोरेशन, जैसे पुराने घरों में बनाते थे कुछ इस तरह की है। ओके तो ठीक है, हर जगह ब्लड है यहाँ पे, हर जगह। ये पुराना टीवी ऑन होता है क्या? तो यहाँ पे हर जगह दोस्तों ब्लड ही ब्लड फैला है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ओके तो आई थिंक, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास है। तो चलो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ओके यार ये सीरियसली यार, माय गॉड, मन कर रहा है। अच्छा एफ से फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ, मेरे को। भागो यार, भागो यहाँ से, भागो यार सीरियसली, ये गेम नहीं खेलूंगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भागो 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 भागो। ओके 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 ओके, ओ ये क्या हो रहा है था लाइटिंग को? मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से, भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ फटाफट। ओके ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जल्दी 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 जल्दी, ओ माय, ये क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, दोनों तरफ मेरे को एक ही दरवाजे क्यों दिख रहे हैं? ओके ओके एक सेकेंड, ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, ये दरवाजा यहाँ पे ठीक है। पता नहीं मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, दोनों तरफ एक ही दरवाजे दिख रहे थे। नो, ये गेम बहुत मतलब बहुत है यार। यार ये बिल्ली पता नहीं दरवाजा बंद करके चला गया है। दोस्तों
Oh my God. मुझे लगता है वहीं वापस जाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर। मेरे सर में ना दर्द होने लग गया है इसलिए एकदम से, मतलब झटके से आ रहे हैं ना। ओ माय गॉड, चलो दोस्तों फिर आगे चलते हैं। ओ माय गॉड, मैं तेरे लिए वहाँ वापस नहीं जाना चाहता, इतना ज़्यादा स्कैरी था वो। ओ माय गॉड, उसको देखा आपने? ओ माय गॉड यार, जापानीज वाली फिल्में भी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं और ये भी, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा यहाँ पे यार। कोई ऑप्शन नहीं है दरवाजे खोलने का यार, कौन जा यार, वहीं जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं दोस्तों, काम करते हैं, देखते हैं कि कहाँ है वो शैतान, ढूंढते हैं उसको जाकर। यार मैंने सोचा था बस कॉमेडी करेंगे, फ़नी करेंगे, पर ये गेम बिल्कुल भी फ़नी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी फ़नी नहीं है। कहाँ है वो? माय गॉड, कहाँ चली गई? ओके, बिल्कुल जैसे होता ना, मतलब क्या बताऊँ मैं, कुछ रेप्टाइल जैसे चलते हैं वैसे। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ओके ये क्या है? ओके ये पिक्चर ली गई थी ठीक है पहले, और इसको बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है। माय गॉड, ये कॉप, मुझे क्यों लग रहा है कि हम सब के सब कॉप यहाँ पे आज होने वाला है हमारा काम। ओ ये क्या हो रहा है? माय गॉड, ये फोन कैसा लगता है? बड़ी ये तो नीचे रखा हुआ है।俺は警察官のブラウンだ。Oh my god。今すぐ応援を呼んでくれ。Okay。さっきの話題、聞いて。Hello hello。もしもし。Are you there? Yes, もしもし。おい、聞こえないのか。Yes yes yes yes。やる、もう一度開けて、待とう。ここ。また後でかけ直そう。はい、コールベ。待って。ちょっと待ってくれ。やる、wait。Oh my god。Oh my god。何がどうなってるんだ。Oh my god。ここで、少しなことと、ブーティアヘイ、これも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 、एक काम करते हैं, उठा के देखते हैं इसको क्या चीज़ है ये, पता नहीं क्या चीज़ है यार, जियोग्राफी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे, अब क्या करना है यहाँ पे। ओके कुछ फाइंड आउट करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, और क्या हो सकता है। नीचे जाऊँ? नहीं नहीं, नीचे तो नहीं जाऊँगा मैं बिल्कुल भी यार, नीचे नहीं जाऊँगा। ओके और देखते हैं यहाँ पे, कोई ना कोई क्लू तो होगा यहाँ पर। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट। ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ क्लू है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसका क्या मतलब है ये भी देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी। ओ गॉड प्लीज, होली बाइबल भी है यहाँ पर। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, इसने कुछ ना कुछ बैड चीज़ की है, इसलिए ये कैप्चर हो गया यहाँ पर, तो उसी की सज़ा जो है ना उसे यहाँ पे मिल रही है। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब यही सीन लग रहा है मेरे को यहाँ पे। ये भी देख लेते हैं एक बार यहाँ पर क्या है। तो ये बेसिकली बबल्स है, पॉट ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है। और कुछ यहाँ पर, ओके तो यहाँ पे कुछ खोल है आई थिंक। ये ड्रावनी से जो आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है ये यहीं से आ रही है। एक सेकंड, ओके यहाँ पे कुछ है, चलिए देखते हैं। ओके तो ये क्या है? गॉड डजंट एग्जिस्ट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड यार, ये गेम बहुत क्रीपी है, सीरियसली बहुत क्रीपी है यार। कैसी अजीब गरीब सी आवाज़ आ रही है, माय गॉड यार, सीरियसली कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल ना खेलें इसको। मेरा दिल थोड़ा मजबूत है ना, इसलिए मार्कस क्या तुम वहाँ पे हो? मेरी, ओ माय गॉड, ये तो आ गया हमारा दोस्त, आ गया हमें बचाने, मुझे लग रहा है वही है। कोई बात है, बस लेट्स गो। ठीक है तो चलो फिर, चलो 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 चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। ओके ओके, कुछ この言い方は何かおかしい。Oh my god。まるで悪霊にでも取り憑かれているかのような。さっきから奇妙なことばかり起きてるんだ。Okay、と言え。ビリー、こっちに増援をよこしてくれないか。聞いてるのか。お、俺だよ。ビリー、キャトムホーバーパー。ここ開けてくれ。おい、マーカス。Oh my god。だったらビリーがダルケマネバッギャ。違う。アップキャカリンマーカス。Oh my god。ありえない。Oh my god。तो बैठ लगने वाली हमारी। माय गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सीरियसली कोई भाग गया, मुझे लगा कि वो आ गया। ये क्या हो रहा है यार? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इसके मतलब क्या ही साउंड भरे हुए ना, ये क्या हो गया? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं नहीं। ओ मेरा दरवाजा किस खुल गया? चलो चलते हैं बाहर की तरफ। ओ माय गॉड, अरे ये क्या है, सब पत्थर कैसे पड़े हुए हैं? हाँ ये क्या हो गया यार, दरवाजा बंद कैसे हो गया? ओ माय गॉड,
ये भी दरवाजा बंद हो गया, अब क्या करना है? ओ माय गॉड, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ओ माय गॉड, ये तो कह रहा है कि हमें दरवाजे के अंदर जाना पड़ेगा। आई थिंक यही कह रहा है शायद। ओके 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 ओके, तो हमें इस दरवाजे के अंदर जाना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास चारा नहीं है, तो चलो चलते हैं। मार्कस ब्राउन, मार्कस ब्राउन नाम सुना सुना तो लग रहा है कुछ। ओके तो चलो चलते हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, ये कोई डरावनी सी जगह लग रही है मेरे को। दिस इज जस्ट अ बैड ड्रीम, ये कह रहा है कि कोई बुरा सपना है। बट दिस इज नॉट अ बैड ड्रीम, दिस इज अ रियलिटी। ये तो जैसे ऐसा लग रहा है हम हेल में जा रहे हैं, बिल्कुल बोलता है ये सपना है, ये बहुत ही ज्यादा डरावना सपना है। ओ माय गॉड, हम जा रहे हैं नीचे, बहुत ज्यादा नीचे। सपना देख रहा हूँ, सच नहीं है बिल्कुल, और मैं अभी सपने से उठूंगा और ये बदल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये रियलिटी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं। ओके ओके ठीक है ठीक है, आई थिंक हम काफी ज्यादा डाउन जा रहे हैं, काफी ज्यादा डाउन जा रहे हैं। माय गॉड यार, बहुत ज़्यादा यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल है यार ये चीज़, बहुत ही ज़्यादा। तो जैपनीज मैं आपको बताऊँ, जैपनीज जितनी भी अगर आप मूवीज भी देखोगे ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग के बार सीन्स होते हैं हॉरर वाली जो मूवीज रहती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ तो देखने वाली है। ओके तो हमारे पास जो फाइनली आ गई यहाँ पर, तो एक काम करते हैं चलो बाहर निकलते हैं। एक सेकेंड, ओके ठीक है ओपन कर लेते हैं। ओ माई गॉड, मतलब जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, ये गेम उतनी ज़्यादा स्कैरी होती जा रही है। ओके ठीक है, अब ये सब क्या है यार? ओ ऐसा लग रहा है पर्सन यहाँ से निकला हो। ओके अब सब अंधेरा हो गया यार। ओके हेलो, कोई है क्या? ओ माई गॉड, तुमने देखा यार, वो दीवार अपने आप चुड़ रही थी। ओ माई गॉड, ये क्या है? Why you are alive? हाँ ये लिखा है, why are you alive? ओके ओके ठीक है। ये प्ले विद अस, ये क्या है? Jealousy? Hatred? I think ये भी जो चीज़ है ना, मेरे ख्याल से ये जो इंसान की बुराइयाँ हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करती हैं यहाँ पर। मतलब आई थिंक इस पर्सन ने कुछ ना कुछ बैड ज़रूर किया है, जिस वजह से इसको यहाँ पर वो किया गया है और इसी की इससे सज़ा मिल रही है। और नेवर फॉरगेट, भूलो नहीं, तो कुछ ना कुछ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इसने गलत किया है, तो वही चीज़ है बेसिकली यहाँ पर। पर सीरियसली ये गेम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है यार, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये कौन बोल रहा है अब? आई थिंक ये वही पर्सन है जिसके साथ कुछ ऐसा मतलब हुआ है। ओके तो दोस्तों अभी तो खैर मुझे समझ नहीं आ रहा, पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि यही लग रहा है मेरे को कि कुछ ना कुछ इसकी फैमिली के साथ इतने गलत किया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, पर अब जाना कहाँ है ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। ये चीज मेरे को बिल्कुल, どうして俺だけを見てくれないんだ?他の男に君の笑顔を見せないでくれ。嫌だ。嫌だ。嫌だ。俺だけその顔を見せてくれ。やめろ。やめてくれ。俺はこんなこと思っちゃいない。It's very horrible.तो मैं ज़्यादा कमेंट्री भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट हो गया था, ये बता रहा हूँ। ये तो काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल है यार गेम। ओह माय गॉड, यार अब करना क्या है, जाना कहाँ है? ये कई बार गेम में यही समझ नहीं आता है, इन्हें जाना कहाँ है? ओह माय गॉड, この草みたいな悪夢の元凶なのか? अरे ये कौन है?俺にどうしろってんだ? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दोस्तों देखा आपने वहाँ पे कोई है? कोई लड़की खड़ी है। ओ लड़की नहीं है, भूत है वो। माय गॉड सीरियसली, क्या हम पीछे नहीं आ सकते? ज़ूम इन करके देखता हूँ। ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा डरावनी लग रही है यार। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हमें आगे जाना पड़ेगा यार, कोई रास्ता भी नहीं है। ओ सीरियसली यार,
पीछे नहीं जा सकते क्या? नहीं जा सकते। सीरियसली आंखें बंद कर लूं? क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ओह माय गॉड यार इतने कितना हॉरिबल बनाया ये। ओह माय गॉड मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा। अरे बाप रे यार देखो कितना हॉरिबल है यार। हाँ खेल के देखो फिर। ओह माय गॉड कहाँ गई वो? कहाँ गई? Oh my god. I can't tell anything. क्या ही बोलूँ मैं कुछ कह नहीं सकता यार। मतलब ये सीन तो इतना डरावना था ना। मतलब Oh my god. ये सब क्या है? ओके यार ये गेम ना मतलब गूज़बम्प्स देती है आपको। वो भी बिल्कुल तगड़े वाले। रिमेंबर ओह देखो इसके नेवर फॉरगिव। रिमेंबर ये मुझे ना कुछ याद दिलाने को मुझे नहीं उस कैरेक्टर को यार। मैं बिल्कुल यहाँ फंसा नहीं जाता। ओह माय गॉड ये क्या चीज़ है? रिमेंबर दिस ड्रग वेरी वेल। तो कुछ ये कुछ चीज़ें आई थिंक कि विस्की की बोतल हो गई और ये सब हो गया। ये कुछ ना किसी चीज़ की याद दिला रही है। आई थिंक इसने ना कुछ इसकी फैमिली के साथ कुछ किया होगा या अपनी कुछ आई डोंट नो। जिस पर्सन के साथ ने बैड किया है ना वही पर्सन ये सब चीज़ें कर रहा है। कौन है ये? ड्राइंग है ये कहीं की। ए फॉरेस्ट एंड ए कार। ओके रिमेंबर द ड्रग इज दिस। तो ये बेसिकली पर्सन ना पहचान रहा है इन सारी चीज़ों को कि ये चीज़ें तो इसको याद हैं पर ये चीज़ें हुई कब कैसे हुई वो इसको थोड़ा सा ध्यान में नहीं। आई थिंक कि अभी ओके तो ये दिखा रहे हैं। इट्स ओवर। तो मे बी ये पर्सन की रिलेशनशिप में था तो उसी के अंदर कुछ चीज ऐसी हुई हो कुछ ऐसे उसने कुछ गलत ऐसा कर दिया हो तो उसी के लिए थोड़ा सा शायद उसको गलत हो रहा है। शायद ये भूल गया मे बी कुछ ऐसा तो है। ये कुछ चक्कर है मुझे लग रहा है तो इसीलिए ये टेबल पे आई थिंक वही टेबल है कुछ मैं गलत नहीं हूँ अलग है थोड़ी सी कुछ यही चीज़ है। ठीक है अभी खैर कंट्रोल मेरे हाथ में है। ओके ओके द मेमोरी फ्रॉम बर्थ ऑलरेडी वर्क। ठीक है तो इसने कुछ ऐसा ही कुछ किया है। ओके कार के अंदर में आंखें खोल के बाहर निकल देखते हैं तो आसपास का क्षेत्र बहुत घना था।頭がひどく痛くて歩くのもやっとだった。それから冷静になって自己嫌悪した。この俺は警察官として、いや、人として失格なんだって。How can I live with myself? तो basically ऐसा ही है कुछ इसीलिए इस जगह पर फंस गया है। Remember, okay. तो अभी तो कुछ कुछ जो है, वो यहाँ पर याद नहीं आया पर ठीक है मार दो मैंने कुछ ऐसा गलत किया है तो प्लीज मतलब सीरियसली यार बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है। अब भी मेरे को जाना कहाँ है मेरे को पता नहीं है। अब तक हमको रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ पे कहीं भी बिल्कुल भी। आई थिंक यहाँ पे है कहीं रास्ता। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। सीरियसली दोस्तों ये ना ओह माय गॉड सीरियसली बहुत ही स्कैरी सीन था यार। ये बहुत ही स्कैरी सीन था ये वाला तो। Don't want to kill you just yet. You're having so much fun with you. ये गेम ना बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग यार। तो खैर दोस्तों, ये थी हमारी गेम लूक इन द डार्क। खैर आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे बताना जरूर। खैर पर बहुत ही हॉरिबल गेम है, अगर आप ये खेलना चाहते हैं स्टीम के ऊपर है वहाँ पर, जैसे आपको ये टाइप करना है आप गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके और भी एपिसोड्स हैं उनको भी आप खेल सकते हैं, पर एक ही एपिसोड में हालत खराब हो जाती है जिसका नाम था द गिल्टी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉरिबल एक्सपीरियंस था। आई एम सॉरी कि मैं ठीक से थोड़ा सा इंटरेक्ट नहीं कर पाया हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं इसी में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया था और सीरियसली मैं तो हालत खराब हो गई है। तो खैर ऑल ओवर दोस्तों, अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद है तो मुझे बिल्कुल मत बताना क्योंकि मैं नहीं खेल पाऊंगा बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल थी यार सीरियसली। तो खैर दोस्तों, फिर जैसा कि अगर वीडियो पसंद आई है तो जो आपको ठीक लगे वो करिए। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।